हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समर सीज़न में उगने वाली सब्जियों के नाम बताऊंगी, कुछ सब्जियों के नाम बताऊंगी जो मैं अपने किचन गार्डन में उगाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये नंबर वन पे है भिंडी, इसको हम ओकरा भी बोलते हैं वैसे। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों में उगाने वाली बहुत अच्छी सब्जी है और आराम से ये उग जाती है। तो इसके बीज इस तरह के होते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये भिंडी के बीज हैं। आप इनको 24 या 48 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर इनको डायरेक्ट जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे आपको एक एक फुट की दूरी पे लगा दें। अगर आपके पास वैसे ग्रोइंग बैग है, मेरे पास तो ग्रोइंग बैग है, जब मैं इन्हें लगाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी मैं कितनी दूरी पे लगा रही हूँ। ये मैंने पिछले साल भी उगाई थी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, बहुत भिंडी खाई मैंने अपने ही किचन गार्डन से। और अगर आप गमले में लगाते हैं तो 12 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी होगा, और एक गमले में दो ही पेड़ लगाना, दो बीज डालोगे तो उससे काफ़ी होगा, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए दो ही बीज लगाना। और फ्रेंड, नंबर दो पे ये खीरा है। ये गर्मियों के लिए आप इसको भी अपने किचन गार्डन पे उगा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप बड़ा वाला ग्रोइंग बैग या तो बड़ा वाला पोट लें, जैसे 21 इंच का पोट तो इसके लिए चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बेल वाला प्लांट होता है, तो ये थोड़ा जब बड़ा होगा तभी हमें अच्छी सी बड़े बड़े फ्रूट देगा, नहीं तो ये इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी अब फरवरी मार्च में उगा सकते हैं, ये जून जुलाई तक अच्छे से आपको फ्रूट देगा। और नंबर तीन पे ये घिया, जिसको हम लौकी भी बोलते हैं, आप इसके लिए भी जैसे खीरे की लिए आप पोट जो लेते हो वो 21 इंच का होगा, तो आप लौकी के लिए भी इतना ही लें या इससे बड़ा लें, और एक साथ आप दो बीज लगा दें तो उससे ये होगा कि जो एक बीज आपका अगर नहीं भी जैसे उगता है तो ये दूसरा बीज आपका उग जाए, इसलिए कोशिश करें कि दो बीज ही लगाएं इसके साथ में। और ये भी कोशिश करें कि इसको लगाना है तो आप छोटे किसी सीडलिंग ट्रे पे लगाएं, या छोटे वो जैसे डिस्पोजल वाले चाय के कप होते हैं उनमें आप लगा सकते हैं। मैं जब लगाऊंगी तो मैं आपको उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये बिटर गार्ड है, जिसको करेला बोलते हैं, आप इसको भी घी और उसकी तरह ही लगा सकते हैं। इसको थोड़ा पहले आप किसी सीलिंग ट्रे में बोल रही हूँ उसमें लगाएं, या जैसे डिस्पोजल वाले कप में लगाएं, तो उसको जब ये कम से कम 15-20 दिन की जब ये पौधा हो जाएगा तब इसको आप ट्रांसप्लांट कर देना, और ये पूरी गर्मियों में बड़े अच्छे से आपको फ्रूट देगा। ये बहुत हार्ड होता है बीज, इसको इसलिए इसको जब बीजोगे आप, जब उगाने के लिए इसको करोगे, तो आप 48 घंटे कम से कम पानी में डाल देना, फिर अच्छे से ये आपका जर्मिनेट हो जाएगा। जितने भी बीज हैं ये मैं नर्सरी से लाई थी, और ये कुछ बीज हैं ये मैं अपने होम टाउन से मंगवाए थे मैंने। तो ये बीन्स हैं, फ्रांस बीन जिसको बोलते हैं। तो ये आप इसको भी आप इस तरह लगा सकते हैं, इसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी जो इतने भी आप वो लगाओगे तो उसको पानी में 24 घंटे या 48 घंटे भिगोना है, बाकी इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं। इसको थोड़ा मॉइस्चर वाली इस पे लगाना, पहले आप जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे पानी से उसको, रात को उसको पानी से गीला कर दें मिट्टी को, और मॉर्निंग में उसको लगा दें, तो ये 2-3 दिन में अच्छे से इसकी उग जाता है, इसकी सैपलिंग आपको दिखने लगेगी अच्छे से। जो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और
सुखी रहिए, सेफ रहिए, घर से निकलो तो मास्क के बिना ना निकले। बाय बाय।